मैं भगवान से इज्जत में जब हम दुआ करते हैं तो क्या वो हम लोग अपनी जबान में कर सकते हैं या फिर ये अरबिक में ही बोलना जरूरी है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कि सजदे में क्या दुआ करना ये अरबी में ज़रूरी है या सजदा करने वाला अपनी ज़बान में दुआ कर सकता है। देखिए, सजदे में सबसे पहले तो हम जो वाजिब जिक्र है उसको पढ़ेंगे, जैसे सुबहान रब्बिल आला या सुबहान कल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग्फिरली, ये दुआ या जो भी दुआएं और भी अज़कार सजदे के सिलसिले में वारिद हैं, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, जो सजदे के अज़कार हैं उनको तो उन्हीं अल्फाज में पढ़ना है जिन अल्फाज में वारिद हुए हैं, क्योंकि ये अज़कार तौकीफी हैं। तौकीफी का मतलब उसमें हम अपनी तरफ से कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। उनमें जो इबादत होती है वो लफ्ज के साथ भी होती है, तो जो सजदे के अज़कार हैं उन्हें तो उन्हीं अल्फाज में हमको पढ़ना है। उसके बाद जब हम वो अज़कार पढ़ चुके हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की रगबत दिलाई है कि सजदे में हम अल्लाह ताला से बहुत करीब होते हैं और उस वक्त हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, कसरत के साथ दुआ करनी चाहिए। और ये जो कसरत के साथ दुआ करने की तरगीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाई है, जाहिर है कसरत के साथ दुआ आदमी की मुख्तलिफ जरूरतें हो सकती हैं। कसरत के साथ दुआ करने का मतलब ये है कि आपकी जो भी जरूरत है आप अल्लाह ताला के सामने बयान कीजिए और उसे तलब कीजिए। तो यहां पर जबान की कोई कैद नहीं है, अगर जबान की कैद लगा दी जाए तो ये चीज महदूद हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने का हुक्म दिया है, जबान की कैद नहीं लगाई है कि आप किस जबान में दुआ करें। लिहाजा आप अपनी जबान में भी दुआ कर सकते हैं, आप अरबी में, अगर आपको अरबी आ रही है तो आप अरबी में दुआ करें, या जो मासूर दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में मरवी हैं वो दुआएं बहुत जामे और शामिल होती हैं, उन दुआओं को आप वहां पे पढ़ें। तो बहरहाल जो मसनून अजकार हैं, वाजिबी अजकार हैं उसके सजदे के, उसे पढ़ने के बाद आप अपनी जबान में भी दुआ कर सकती हैं। तो वो फर्ज या नफिल किसी भी नमाज में कर सकते हैं ना? बात का कहना होता है कि सिर्फ नफिल में नहीं, ये इसकी कोई दलील नहीं है। नफिल और फर्ज के दरमियान तफरीक की कोई दलील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा है कि जब फर्ज नमाज में सजदा करते हो तो अपने रब के करीब होते हो तो दुआ करो। आपने नमाज की बात की है, सजदे की बात की है, तो वो चाहे फर्ज नमाज हो या नफिल नमाज हो, हमको हर सजदे में दुआ करने की तरगीब दिलाई गई है, कैसी भी नमाज हो और उसमें हम अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं।